नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के तहत अररिया संग्राम में अर्बन हाट के उद्घाटन में 11 जनवरी बुधवार को पहुंचा था। वहां प्रदेश कमेटी यानी कि संविदा कर्मी शिक्षा सेवक तालीम मरकज के पूरी कमेटी आने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश न मिलने के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया। और लेकिन फिर भी प्रदेश सचिव सह वर्तमान जिला अध्यक्ष चुनाव पर्यवेक्षक श्याम कुमार साफी जी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज का चर्चित मांग सौंपा गया। कहते हैं ना दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए दोस्तों, वह मांग पत्र क्या था आगे आप लोगों को पढ़ करके सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दोस्तों एक विनम्र आग्रह है कि आगे इसी तरह की संविदा कर्मी से जुड़े तमाम खबरों को पाते रहने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वह मांग पत्र क्या था आप लोगों को पढ़ करके सुनाते हैं और दिखाते भी हैं। तो दोस्तों, आप यह मांग पत्र देख रहे हैं जो संविदा कर्मी शिक्षा सेवक तालीम मरकज संघ मधुबनी श्याम कुमार साफी जिलाध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया, जो शिक्षा सेवक तालीम मरकज का चर्चित मांग है। आप लोगों को आगे हम बताएंगे, एक एक बात आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे और यह मांग पत्र पढ़कर सुनाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि यह दिनांक 11/1/2023 का यह मांग पत्र है, जिसमें लिखा गया है कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार पटना, विषय शिक्षा सेवक तालीम मरकज के समस्याओं को हल करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषयक संदर्भ में सादर अंकित करना है कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज श्रीमान के द्वारा ही लगाए गए पौधे हैं जो अब मुरझाने के कगार पर है। बढ़ती महंगाई के युग में 9,680 रुपये के अल्प मासिक मानदेय में परिवार का भरण पोषण नामुमकिन है। माननीय चौधरी कमेटी के अनुशंसा ख लागू किया जाना भवदीय द्वारा अभिलंबित है, जिसमें पारिश्रमिक का जिक्र किया गया है। शिक्षा सेवक तालीम मरकज प्रमुख मांग यह है कि 13 वर्षों के शैक्षणिक कार्य अनुभव को आधार पर शिक्षक का दर्जा देते हुए ग्रेड पे वेतनमान लागू किया जाए तथा अनुकंपा के साथ से जोड़ दिया जाए। अतः श्रीमान से करवत प्रार्थना है कि भवदीय स्तर से हम सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज के समस्याओं का निदान करने का कृपा प्रदान किया जाए। साथ ही पटना में भवदीय के आदेश से सम्मान समारोह करने हेतु संघ को आदेश दिया जाए, ताकि हम सभी अपने मानस पिता माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर सके। आपका विश्वास भाजन श्याम कुमार साफी, पूर्व प्रदेश सचिव सह जिला अध्यक्ष मधुबनी सह चुनाव पर्यवेक्षक। तो दोस्तों, आपने देखा किया शिक्षा सेवक का मांग, जो बहुत ही चर्चित मांग, सालों का मांग, जो शिक्षक का दर्जा है वह मांग सौंपा गया। और वास्तव में यह शिक्षा सेवक के कार्य अनुभव जो लगातार 13 वर्षों से कार्य को करते हुए आ रहे हैं, इसकी मांग को स्वीकार करना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय को। और यह 9,680 रुपया जो बहुत ही अल्प मानदेय है, इसमें किसी का भी भरण पोषण अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है, तो मानदेय को भी बढ़ाया जाए। और सबसे पहले तो प्रमुख मांग है कि इसकी शिक्षक का दर्जा दिया जाए, क्योंकि शिक्षा सेवक तालीम मरकज के भाई बहनों ने लगातार 12-13 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इनका जो जायज मांग है, इनके कार्य अनुभव को देखते हुए इनकी मांग को पूरा किया जाए और शिक्षक का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों, इसी तरह हम संविदा कर्मी से जुड़े तमाम खबरों को इस चैनल पर लाते रहते हैं और उनकी आवाज़ को उठाते रहते हैं। तो दो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।